हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉइजी में। और आज हम सभी लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। एडीपीओ सिलेबस में ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसके एक कॉन्सेप्ट को यदि हम समझ लेंगे तो हमको ये सब्जेक्ट ईजिली समझ में आ पाएगा। तो नाउ वी आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन टू आईटी एक्ट 2000। तो आज हम सभी लोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के परिचय को समझते हैं। हम सभी को पता है दिस एज इज कॉल्ड मॉडर्न एज, आज का जो युग है इसे आधुनिक युग कहा जाता है और इसे इंटरनेट एज या डिजिटल एज भी कहा जा रहा है। तो हम सभी लोग इसे इंटरनेट एज या डिजिटल एज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे कंप्यूटर का और इंटरनेट का प्रयोग तेजी से बढ़ा है और आज पूरी लाइफ में डिजिटल यानी डिजिटल लाइफ हो चुकी है। सारे काम जो हो रहे हैं डिजिटल पे हो रहे हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। और इंटरनेट जो है इट हैज मेड ड्रास्टिक चेंज इन अवर लाइफ, तो हमारे लाइफ में ड्रास्टिक चेंज करने में इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। और ट्रांजिशन टू दी पेपरलेस वर्क, धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से पेपरलेस वर्क की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, यानी अखबार का कागज का उपयोग कम होने लगा है। लाइफ जो है वो डिजिटल हो चुकी है, पेमेंट ऑनलाइन होने लगे हैं, ऑनलाइन ही लगभग सारे काम होने लगे हैं। तो इस वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दखल है, जो इंटरफियरेंस है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है और इस वजह से साइबर ऑफेंसेस भी तेजी से बढ़े, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से अपराधियों ने अपराध करने की शैली में परिवर्तन कर दिया, यानी साइबर ऑफेंसेस चालू हो गए। और इन साइबर ऑफेंसेस को खत्म करने के लिए और इंटरनेट कंप्यूटर के मामलों को रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में कानून की व्यवस्था, कानून की आवश्यकता महसूस हुई। इसके पहले जो कानून चलता था वो कंप्यूटर वर्क जो है, साइबर ऑफेंसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर वर्क से होते हैं, जिसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स वगैरह में जो सारे उपयोग हो रहे हैं। इसकी हिस्ट्री ये है, यदि हम मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की ओर चलें तो हमारे पास जब आईटी एक्ट नहीं बना था, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं था, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक कानून बने हुए हैं, जो मॉडर्न लॉज हैं, और ये मॉडर्न लॉ जो है ये यूएनओ द्वारा बनाए गए थे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एक संस्था का नाम आपको पता ही होगा, यूएनसीआईटीआरएल, यूनिसिट्रल जो है जनरल असेंबली ने कुछ एक मॉडल लॉज बनाए थे जिसके आधार पर हमारे देश में आईटी एक्ट के पहले रेगुलेट होता था। और भारत 12वां देश बना, 12th कंट्री बना जिसने यूनिट्रल और यूनिसिट्रल और यूएनओ के गाइडलाइन पर आईटी एक्ट बनाया। तो आईटी एक्ट 2000 में हमारे देश में बना, तो विश्व में भारत जो है 12वें नंबर की कंट्री है जिसने आईटी एक्ट बनाया। अब इस आईटी एक्ट के क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों को लेकर आईटी एक्ट बनाया गया था, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि वर्तमान में जितने भी इलेक्ट्रिक मीन्स से जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितने भी संव्यवहार इलेक्ट्रिक मीन्स से हो रहे हैं, उनको लीगल रिकॉग्निशन दी जाए, यानी उनको वैधानिक मान्यता दी जाए। डिजिटल सिग्नेचर्स को वैधानिक मान्यता देने के लिए, लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए आईटी एक्ट 2000 बना। ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की सारी ई फाइलिंग के लिए, ई फाइलिंग जो होनी है किस प्रकार से होगी वो आईटी एक्ट में बताई गई। फैसिलिटेट दी ई स्टोरेज, यानी आजकल जो डाटा जो है, डाटा का संग्रहण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, उसके बारे में भी आईटी एक्ट कुछ प्रोविजंस कहता है। ई बैंकिंग, आजकल बैंक में जितने भी उपयोग हो रहे हैं, और तीन चीजों को अमेंडमेंट करने के लिए, तीन कानूनों में अमेंडमेंट कर दिया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एक्ट और आरबीआई एक्ट 2000। तो इन सभी कानूनों में अमेंडमेंट करने वाला कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। So it is all about introduction of the information technology. Kindly subscribe my channel Loizy.